कह लो मैं अपनी बहन तारो को आज कहूं। राज दरबार है, वहाँ पर काफी सेना और फैतना चलती है। दरबार है, मैं भी काफी दिन वहाँ रह चुका हूँ। 4-6 के लिए मैं अकेला काफी हूँ। और तुम तो आओ। नहीं, हमें वह तुम्हें होशियारी से काम लेना होगा। पहले आप जाएं, उसके बाद बड़े भाई साहब जाएंगे, उसके बाद हम और नीलम आएंगे। अगर यही राय है तुम लोगों की तो मैं जाता हूँ अकेला। चलिए सेनापति जी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है विजय, मैं भी चलता हूँ। आओ चाचा के बदन के 1000 टुकड़े बना। नहीं बड़े भाई, ठहरिए, आप जाएंगे लेकिन ऐसे नहीं, आपको खाली हाथ जाना होगा। ये क्या बक रहा है तुम? हाँ भैया, आपको खाली हाथ जाना होगा। आप जाकर चाचा जी से हमारे बारे में पूछेंगे, उसके बाद हम नीलम सहित दरबार पहुंच रहे हैं। ठीक है विजय, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। ये विजय, अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम अपने मंत्र के द्वारा चाचा जी को बंदर बना देना। बात अच्छी बात। चलो सही बदतमीजी करते रहोगे तो टाइगर दब जाएगा, तुम नीचे से उड़ जाओगे बेटा। कई जने को उड़ाया, तीन दांत काढ़े हो। दिमाग का कमजोर आदमी है। क्या बात है? सुन मेरी बात, देखा इधर, बस जाओ जाओ उस लौंडिया को लेकर आओ। इन दांत काढ़ा तो ये हमेशा दांत वाले क्यों बात करता है? दांत में खूबी भाई, कोई कमी है? इधर चल ले आ। क्यों जगह पे जगह हाथ लगा रहा पीछे? हाथ ए हरि रमुआ, खोल दे हथकड़े। दिन प्रतिदिन मुझे अच्छी लगती जा रही है तारा जी। तारा जी इधर आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता। अरे तो बहुत दिन बाद आई हो, सुन रहे हो? बहुत दिन बाद आई हो मेरे कब्जे में मतवा। सागर हो मेरे चावो ठिकाना,
सागर हो मेरी चामोठ पीला। मेरे महाराज मत लूटो मेरे जो तेरे उसे कर दूंगा मैं का। और क्या बोलना चाहती है? गुल गई गुलशन गई गई होठ की लाली, अब तो पीछा छोड़ दे मेरा, मैं हो गई बच्चे वाली। जरा खास बात तुमसे बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि गुल गई गुलशन गई गई ऊंट की लाली, अब तो पीछा छोड़ दो मेरा, मैं हो गई बच्चे वाली। इसका मतलब ये गर्भवती है। तो और मजे फिर दांत काढ़ हो जान, तू तोर दांत न काढ़ करो। अरे हाँ सब मुहा खोल के ना हाथ और नहीं मह से ना हाथ और कहा चाहता। तारा जी नहीं मानोगी, नहीं मानोगी तुम, यहाँ पर नहीं मानोगी तुम, बंद कमरे में मानोगी। तुम्हें कमरे के अंदर डलवा दूंगा, ताला लगा दूंगा। हे हरि रमुआ चल धार लो जैसे डाल दे कमरे के अंदर। अभी मैं शराब पी कराऊंगा तो उसकी खातिरदारी कराऊंगा। ले जाओ उसे, डाल दो कमरे के अंदर। तुम कहां पाओगे? चुप, ले जैसे पाप का तेरे अब है और खराब भर गया। ओ जवान बताओ लगा, पहले बताओ तू कहां का रहने वाला है, क्या नाम है तेरा? रामपुर। रामपुर भूल गया, टांगे तुला था आज शरीर का सर काटूंगा, ये तो बता दे कि मेरी बहन है कहां। तुम्हारी बहन का नाम क्या है? तारा। दिल टाइगर दाब दूंगा बेहतर, खोपड़ा उड़ जाएगा। ये क्या हाथ नहीं लगा, कितना दिमाग से काम ले थे। अब्बा पहली थे। तूने तारा को अपनी बहन माना है? धर्म की बहन है वो मेरी,
मान सिंह बहुत बुरा कर रहा है। शराब है भंडरिया, ले जैसे तन्हाई वाली जेल में डाल दे, जिस जेल में चारों तरफ से लोहे के सलाखे लगी रहते हैं। ले जाओ उसे, ले जाओ। तारा को मैं चाहता हूँ, तारा मेरे कमरे के अंदर है, इसने अपने धर्म की बहन माना है। रुक जाओ, रुको रुको, है इधर आओ, इधर आओ, रुको, मुहा देखा दियो तू तो कर इन नकुनवा कैसे बाई अलंगटियन हो चला जाता है। वो सर्दी हो गई है, जोखाम नहीं, जोखाम मैं ऐसे करता हूँ, बड़ा गंधौला तू गो खा तो पाओ। दरबार में कोई है? भंडरिया देख, गेट पर कोई आवाज लगा रहा है। तेरी आदत खराब है। नहीं जो तुम्हें देखा तो नहीं, अब वहां स्प्रिंग ला गया है आजकल, ज्ञान तो रिमोट द्वारा मुहा दिया तो भाई बैठो जा। कौन हो क्या भैया? चाचा जी है? हाँ है तो ये क्या है? बोल दो, राजकुमार अजय सिंह आ चुके हैं। क्या हुआ? हाय गे, कौन तुहार बप्पा? अजय सिंह, अजय सिंह आए गे। राजकुमार अजय सिंह, राजकुमार अजय सिंह बोल रहा था। अब काहे गांड फाटे? अरे बदतमीज, गांड क्यों ना फटे? राजकुमार राजा और विजय मेरे रास्ते के रोड़े हैं, रोड़े। चाचा बेकाऊ है, जो होगा देखा जाएगा। अदरा के बादे भद्रा लगनते और लाखा निरो पानी खपड़ी परंते। जाओ इज्जत के साथ बुला कर लाओ। आओ भैया, आओ भतीजे से। चाचा जी, चाचा जी रोल नहीं मरे ले भाई। मैं तुम्हारे लिए बहुत रो रहा था। हाँ चाचा जी, आओ आओ मेरे गले से लग जाओ। रो ना, रो ना, ज्यादा ना रो। नहीं भाई, ई तालू खिलाए वाहू वाला भैया, माँ का कमजोर आदमी है। तोरी ताए तना है रोई ना, तना रोई ना, खिया नहीं देखो ये खिया एकदम फूट के बह के दोबारा आए कल्याण। अरे पागल क्या मजाक करता है, मेरे सगे चाचा हैं, मेरे लिए ये नहीं रोए होंगे तो कौन रोया होगा? मैं बहुत रो रहा था। हाँ चाचा जी, सरवाइन की घर भरे कर रजाई गद्दा सब भीज। तुम चले जाओ यहाँ से, बहुत बरसों के बाद मेरा भतीजा आ गया है। जाओ हवेली के अंदर जाओ, स्पेशल चाय नाश्ता लेकर आओ। हाँ चाय नाश्ता। चाचा जी चाय नाश्ता बाद में करेंगे, पहले आप ये बताएं, दरबार में कोई तारा नाम की लड़की आई थी? चुप हाँ, 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 नहीं आई थी ना? नहीं आई रही। दिमाग का कमजोर आदमी है, अनाप शनाप बोलता है। क्या नाम बताया? तारा, तारा भतीजे जब तारा नाम मैं जिंदगी में पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। यहाँ पर तारा नाम की कोई लड़की नहीं आई थी, नहीं आई थी। हाँ आई रही नहीं। चाचा जी दरबारी भंडारी की बात मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये दिमाग का कमजोर है, हमेशा अनाप शनाप बोलता है, जगह बेजगह हाथ लगाता है। खैर छोड़िए चाचा जी, अरे तुम चुप रहो। ये बताइए मेरा भाई विजय कहाँ है? तुम्हारा भाई विजय? हाँ कमरे में आराम कर रहा है। जाइए।
मेरे भाई को बुलाइए, उसके बाद हम तीनों एक साथ मिलकर चाय नाश्ता करेंगे। बहुत अच्छी बात, बैठ जाओ भतीजा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं आवाज लगा रहा हूँ, अभी आवाज लगाऊंगा तो आएगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओ भतीजे बेटे, ये तो अजब सिंह हो, चारों चुप के खड़े वो तो मार दूं जान से, तेरा भाई नहीं जिंदा संसार में, कर जला ही ना तो मार दूं जान से। को मैं पिता की तरह मानता, और किस लिए मुझको पैदा बनाया, तो सुन मेरी बात, चल हा। बुझाएंगे हम, तेरा भाई नहीं जिंदा संसार में, आज मुल के दम को पठाए। तेरा भाई नहीं जिंदा संसार में, आज मुल के दम को पठाए। पाप का घड़ा तेरे और हया भर चुका, ही बार में सर जुदा होगा। ये तो अच्छा होया के तुम बिजे, आ लगा तू दम के ठिकाने तुझे। वैसे तो बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक छुपा हुआ राज है। कैसा छुपा हुआ राज है गद्दार, बता। आ लगा तू दम के ठिकाने तुझे, बाप को तेरे मारा खाते के जहर, खा कसम कह रहा मार डालू।